लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। जहां आजकल की महिलाएं अपने गृह जीवन में या रोजमर्रा के कार्यों में इतनी मशगूल होती हैं कि उनका अपने लिए समय निकाल पाना न के बराबर हो जाता है, वहीं कुछ एक गृहणियाँ खुशकिस्मत भी होती हैं कि अपने परिवार के सहयोग से वो समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने में कामयाब हो जाती है। जी हाँ, आजकल का चलन गृहस्थ में बिजी महिलाओं के लिए नए तरह के टैलेंट शो लेके आया है। उन्हीं टैलेंट शो में अपने शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन करने की चाह रखने वाली महिलाएं आगे आ जाती हैं। जी हाँ, लुधियाना की कुछ ऐसी ही खुशकिस्मत महिलाएं जिन्होंने हाल ही में हुए दिल्ली में एक टैलेंट शो जिसका नाम था पेजेंट मिस एंड मिसेस गॉर्जियस डिवास ऑफ इंडिया 2018 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें करीबन 28 महिलाओं को पछाड़कर मिसेस वनीता गुप्ता ने मिसेस फैशन आइकॉन तथा मिसेस श्वेता शर्मा ने मिसेस फोटोजेनिक 2018, साथ ही मिसेस जस्सी नविता रलहन ने मिसेस ब्यूटीफुल फिगर का खिताब अपने नाम किया। इन सभी महिलाओं ने मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए। मैं लुधियाना से पार्टिसिपेशन के लिए गई थी दिल्ली फॉर द मिस एंड मिसेस गॉर्जियस डिवास ऑफ इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए। देखो, मैंने लुधियाना में पार्टिसिपेशन करी है, अलग इवेंट्स पे, फैशन शोज में भी करी है, ब्यूटी पेजेंट्स में भी करी है, बट अपनी सिटी से बाहर जाके पहली बार मैंने ये पार्टिसिपेशन करी है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम नॉन लोगों के बीच में करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, पर अपने घर से बाहर निकल के अननोन लोगों से, अपनी सिटी से बाहर जाके अननोन लोगों के सामने हमने ये प्रेजेंटेशन करी है, जो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे टाइटल मिला है ब्यूटीफुल फिगर का, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और मैं बिल्कुल अपनी और अदर हाउसवाइफ्स जो इंटरेस्टेड हैं, जिनमें कुछ टैलेंट है, वो जरूर अपने घर से निकल के बाहर जरूर आएं। उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है बाहर, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है किसी भी फील्ड में, चाहे सिंगिंग है, डांसिंग है, चाहे फैशन शोज हैं, एनीथिंग, तो वो जरूर ओपन होए, जरूर बाहर आएं, तो जरूर उनकी अचीवमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर उनके लिए छुपा हुआ है। तो मैं यही कहूँगी सबको, यही कर, मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा है मेरे को, मुझे मतलब मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ ही चल रही हूँ, तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है कि फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द फैमिली एंड जो ऑर्गेनाइजर्स थे शो के, उनको भी मैं थैंकफुल करती हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने ये चांस दिया है और हमें इन्वाइट करा है लुधियाना से फॉर द पार्टिसिपेशन इस पेजेंट के लिए दिल्ली में जाके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने मिस एंड मिसेस गॉर्जियस डिवास ऑफ इंडिया 2018 में पार्टिसिपेट किया है, जो कि दिल्ली में कराया गया है। यहाँ पर 28 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिसमें से हम चार लोग पंजाब में से थे और हमने वहाँ जाके टाइटल जीते हैं। मैंने मिसेस फोटोजेनिक 2018 का टाइटल जीता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम एक नेशनल ब्यूटी पेजेंट में जाकर जीत कर आए हैं और अपना लुधियाना, अपने पंजाब का नाम रोशन किया है। और मुझे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया है इन ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने में, वहाँ जाके विन करने में। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की, अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड्स की, कि उनकी ब्लेसिंग से मुझे इतना कुछ अचीव करने को मिला है। हम रिसेंटली दिल्ली में 25 फरवरी को पिकाडली होटल में गॉर्जियस डिवास ऑफ इंडिया कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हम सब लुधियाना को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, जिसमें मैंने मिसेस फैशन आइकन का टाइटल जीता है। और हमें बहुत खुशी है कि वहां पर जाकर हमने अपने लुधियाना का नाम रोशन किया है। हम सब ने वहां पर जाकर नया एक्सपीरियंस किया, नई चीज़ें सीखने को मिली, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी फैमिलीज हमें बहुत सपोर्ट करती हैं और हम सब आगे भी कभी प्लेटफॉर्म मिले तो उस पर जरूर आगे बढ़कर अपना हुनर दिखाना चाहेंगे। नेशनल बस के लिए लुधियाना से अजय पावा की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।